वेलकम टू आज कुछ अच्छा सीखते हैं। यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन स्लैब प्रेस बेजर का इरेक्शन हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फ्रिक्शन स्लैब प्रेस बेजर का इरेक्शन कैसे करते हैं, इसकी क्या क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इनिशियली फर्स्ट हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन स्लैब के नीचे जो हमें रबड़ पैड या फिलर मटेरियल लगाना होता है, हम उसका डिस्टेंस नाप के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसका डिस्टेंस आप नाप के देखा हुआ है, ये अपने पैनल के बीच का साइज जो रहता है फ्रिक्शन स्लैब प्रेस बेजर के बीच में, यहाँ पर स्पेस दिया होता है, हम उस स्पेस के साइज का रबड़ काट लेते हैं। ये रबड़ मटेरियल किसी चीज का भी, थर्माकोल भी हमने यूज किया है, और यहाँ पर ड्यूरा पैड भी इस्तेमाल। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि इसके साइज का हमने रबड़ पैड काट लिया है, जो कि हमारी कोपिंग मिल के ऊपर रेस्ट करता है। ये एक मटेरियल है जो कि अपने को प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन स्लैब प्रेस बैरियर और कोपिंग के बीच में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक मास्टर पैनल बनाया हुआ है फ्रिक्शन स्लैब प्रेस बैरियर का। इसका जो इरेक्शन है, हमने कोपिंग का सेंटर निकाला है। इसका इरेक्शन दो टाइप से किया जाता है, हम यहाँ तो कोपिंग बीम का एक सेंटर निकाल लेते हैं, और दूसरे तरीके से हमारा ओवरऑल जो विड्थ है मेन कैरेज वे का, वहाँ से हम ओवरऑल विड्थ भी यहाँ से मैच कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने जब वेरीफाई कर ली, उसके हिसाब से उसको मास्टर बना दिया और इसकी लाइन फर्स्ट इनिशियल लाइन से मैच कर ली। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट इनिशियल लाइन और इसकी लाइन को हमने लाइन दोरी से बांध के मैच कर लिया। अब हम इस हिसाब से इनके बीच में सभी फ्रिक्शन स्लैब के पैनल्स का इरेक्शन कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें ये भी वेरीफाई करना होता है कि इसके नीचे जो आपका DLC का कुछ मटेरियल रह जाते हैं, कुछ लम्स रह जाते हैं, उनको प्रॉपर साफ करें, वरना ये अपने फ्रिक्शन स्लैब प्रेस बेजर को पीछे साइड में टेल करते हैं। और इनकी प्रिपरेशन करने की ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे हम यहाँ पर हाइड्रा से ये फ्रिक्शन स्लैब प्रेस बेजर का एक पैनल फंसा के लेके आ रहे हैं। अभी हम इसको यहाँ पर इरेक्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पर हमने अभी रबड़ कटवाया हुआ है इसके लिए, अभी हम इसको यहाँ पर नीचे सेट करेंगे। जैसा कि देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इसकी साइड से रबड़ पैड यहाँ पर इसमें फंसा रहे हैं, ताकि कोपिंग बीम और इसके बीच में प्रॉपर स्पेस बना सके। हम इसको ये चीज़ वेरीफाई करते हैं कि इसके ऊपर लोड नहीं आना चाहिए कोपिंग बीम के ऊपर, इसलिए हम इसका रबड़ पिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं। देखिए प्रॉपर साइज फिक्स हो गया, जैसे ये लोड आएगा तो इस टाइप से इसका अटैचमेंट हो जाएगा। आराम आराम